They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. Hey guys, good morning from Shirdi. So, अभी हम almost ready हैं. बस मैं अपना सामान ready कर रहा हूँ. उसके बाद इसको bike पे load करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे. So, आज का destination होने वाला है औरंगाबाद. और औरंगाबाद की journey हम almost 2 hours में I think cover कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है road conditions अच्छी हैं और 120 kilometers हैं from here. So, should not take much time. और उसके बाद अपन विजिट करेंगे आज घृष्णेश्वर टेम्पल और एलोरा केव्स, और अगर टाइम ने परमिट किया तो भद्र मारुति टेम्पल ऑल्सो. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे अप, स्टे अलर्ट एंड कीप वॉचिंग. दर्शन में जाना वापस जाना सब दर्शन. तो दोस्तों, शिरडी के एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को लेने के बाद मैं फाइनली निकल चुका था इंडिया की हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए औरंगाबाद की तरफ. अपना औरंगाबाद जो शिरडी से पड़ता है कुछ 76 किलोमीटर्स के आसपास, और ये डिस्टेंस कवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला था. सो इस जर्नी में मैंने जस्ट फोकस करने की कोशिश की एक्सपीरियंस पर, बिकॉज देयर वॉज नो रश, देयर वॉज जस्ट क्लीन हाईवेज स्ट्रेट अवे विथ सर्टेन ऑफ रोडिंग्स और खराब पैचेस. बट ओवरऑल दोनों तरफ छोटे छोटे गांव, प्यारे प्यारे मकान, महाराष्ट्र की खूबसूरती और बहुत सारे खेत. ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका अगर आपको मिले तो आप भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तो जिंदगी है, यही तो वो पल है जो शायद हम बूढ़े हो जाएंगे और अपने डेथ बेड पे पड़े रहेंगे तब हमें याद आएंगे और हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी. ये वो स्ट्रेट हाईवेज हैं जो इंडिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, जिन्हें हम नेशनल हाईवेज कहते हैं, एक्सप्रेस वेज कहते हैं. ये वो रोड्स हैं और 80% ऑफ द पार्ट इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. 20% ऑफ द पार्ट्स इट्स ब्यूटीफुल बट ऑफ रोडिंग तो बनती है. आई होप कि आप भी उतना ही मजा कर रहे हो इस वीडियोस को देखने में जितना मुझे इसे रिकॉर्ड करने में, इन ट्रैवल इसको पूरी करने में, और वो भी बिल्कुल सोलो हुआ होगा. मैं एक चीज आपको आज कहना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे हेटर्स और डाउटर्स मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं से ना हो पाएगा. डोंट लिसन टू देम. द मोर दे से यू कांट डू इट, द मोर यू शुड ट्राई टू डू इट. और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं MTDC औरंगाबाद. तो अब आगे का सफर अपन करेंगे एलोरा केव्स में. उधर लगा दूं, उधर बाइक लगा दूं? हाँ अमृत कहाँ से? बैंगलोर. अभी शिरडी से आ रहे हैं ऐसे, बैंगलोर से राइट कर. अमृत उधर रिसेप्शन है देवगिरी बिल्डिंग. हाँ छावा अच्छी, उधर लगा दूं गाड़ी. बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए. 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. Thank you.
हे गाइस, सो मैं अभी यहाँ के अपने रिजॉर्ट जो MTDC का वहाँ के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया। एक बार खाना आ जाए फिर हम खाएंगे और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ एलोरा केव्स के लिए। सो आज मैं ट्राई करूँगा एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर टेम्पल कवर करने का, देखते हैं हो पाता है कि क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3:15 PM। सो आई डोंट विल ट्राई। सो यही अपडेट देना था आपको, सो जस्ट कीप ऑन हैंगिंग विद मी। और मेरा सफ़र एक बार फिर से शुरू हुआ अपने होटल MTDC से निकल के औरंगाबाद से दूर एलोरा केव्स की ओर। एलोरा केव्स की दूरी जो है वो मेरे होटल MTDC रिजॉर्ट से अराउंड 30 किलोमीटर्स की थी। अब तक मुझे ट्रैवल करने की इतनी आदत हो चुकी थी कि ये 30 किलोमीटर कुछ भी नहीं था और रोड्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन एलोरा पहुँचने से पहले हमें क्रॉस करना था दौलताबाद फोर्ट। मेरे पास इतना समय तो नहीं था कि मैं दौलताबाद फोर्ट को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ जाके, बट एक बाहर से मैंने व्यू कैप्चर करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट सूरज ढलने के टाइम पे ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मगर अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर दौलताबाद फोर्ट भी कवर करना, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही एंशियंट और बहुत ही ऐतिहासिक है। खैर, अब मैं बढ़ चुका था एलोरा की तरफ और एलोरा जाने का रास्ता जो है वो पहाड़ों और घाटियों से होके जाता है। ये सीधा सीधा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं और आप जैसा कि देख सकते हो ये घाट सेक्शन में बाइक चलाने का मौका एक बार फिर से मिलता है। और महाराष्ट्र की इस और गोवा और गोकर्णा की ये जो राइड होने वाली थी, मुझे पता था कि ये 3600 किलोमीटर की राइड डेफिनेटली मुझे हर तरह की टेरेन्स मिलने वाली हैं, घाटियाँ, नदी, समुद्र, पहाड़ और इवन प्लेन सिटीज, सब कुछ बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये टायरिंग भी था और एक्साइटिंग भी था, पर एक्साइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा था। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और एलोरा पहुंचने की जल्दी, क्योंकि एलोरा जो है वो अराउंड 5:30 बंद हो जाता है। और एलोरा पहुंचने के बाद मैंने केव्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स हैं, हिंदू केव्स हैं, जो कि बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ और टाइम्स को कैप्चर करती हैं। बुद्धिस्ट केव्स जो हैं वो गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग्स को कैप्चर करती हैं, मन को शांत रखने के बारे में, पेशेंस और धैर्य के बारे में बताती हैं। वेयर एज जो हिंदू केव्स हैं, जो जैन केव्स हैं, वो अलग अलग रीति रिवाजों को कैप्चर करती है। जैसे कि हिंदू केव्स में मुझे मैंने देखा कि वहाँ पे रामायण की, महाभारत की और श्री कृष्ण की कहानियाँ और उनके टीचिंग्स को कैप्चर करता है। वहीं पे जो जैन केव हैं वो महावीर जी, जो जैन के गुरु माने जाते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। तो इसी तरह एक खूबसूरत और अद्भुत स्ट्रक्चर्स हैं ये। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, पर इनकी गूंज में आज भी हमें इतिहास दिखाई देता है। आपको भी मौका मिले तो आप ज़रूर आना, और चाहे कुछ भी कर लो आप, कितने भी अच्छे कैमराज हों, इट जस्ट कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड और कैप्चर द ब्यूटी ऑफ एलोरा केव्स। इसकी क्राफ्टमैनशिप एक अलग ही लेवल की है, और कितने लाखों साल पहले की, जो कि शायद जिस टाइम पे मशीन्स भी नहीं थे, टूल्स भी नहीं थे। और इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मैं निकल के बढ़ चुका था भद्र मारुति टेम्पल की तरफ। भद्र मारुति टेम्पल की एक छोटी सी कहानी यह है कि एक राजा थे जो कि श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक बार बैठ के श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे, तभी ऊपर से श्री राम के परम भक्त हनुमान जी गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये सुना कि उनके प्रभु का कोई नाम ले रहा है, तो वो आके आनंद से
उस राजा के सामने लेट गए। जब राजा ने आंख खोली और देखी कि हनुमान जी उनके सामने लेटे हुए हैं, तो वो हनुमान जी का पैर पकड़ के बोले कि प्लीज आप हमेशा यहाँ पे विराजमान रहें और जो भी श्री राम का नाम लें और श्री राम के भक्तों उनकी रक्षा करें। तब से हनुमान जी उस जगह पे स्थापित हैं और उसे ही हम आज भद्र मारुति टेम्पल या सुत्तल हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। जय श्री राम। गाइस सो गुड इवनिंग फ्रॉम औरंगाबाद। सो मैंने अभी एलोरा और भद्र मारुति टेम्पल विजिट कर लिया, आपने देखा ही होगा वीडियो में, और अभी मैं वापस अपने होटल रूम आ चुका हूँ। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आज के दिन का ब्लॉग एंड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू एंड इट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज़ कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। कल का हमारा दिन होगा औरंगाबाद टू त्रिम्बकेश्वर, सो जो कि नासिक के पास में त्रिम्बक एक जगह है जो कि त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल के वजह से काफ़ी फेमस हो गया है। सो मैं वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ। वहाँ पे MTDC का एक और संस्कृति रिजॉर्ट है जो मैंने बुक किया हुआ है, तो आपसे कल मुलाकात होगी रोड पे जब मैं त्रिम्बकेश्वर के लिए निकलूँगा। सो कीप वॉचिंग, पीस।